तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ माइंड में एक बार फिर से। तो आज की जो रेसिपी है वो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश करी, और वो भी एकदम बंगाली स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं और देखते हैं कैसी बनी है। तो ये हाफ के जी फ़िश है, ये रोहू फिश है जिसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। साथ ही इसमें हमने जो है लगभग एक छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो यहाँ पे जो हम मैरिनेशन कर रहे हैं वो फ़िश को फ्राई करने के लिए कर रहे हैं। तो ये रोहू फिश है तो इसको जो है आपको फ्राई करने से पहले मैरिनेट कर लेना है, और मैरिनेट करते समय आपको ध्यान में रखना है कि हल्दी की जो क्वांटिटी है आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो फ़िश है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगी। तो यहाँ पे फ़िश करी मसाला भी हम घर पे ही तैयार करेंगे, जिसमें हमने एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया, 3 लाल सूखी मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच के करीब हमने राई ली है, और साथ ही इसमें हमने छोटी इलायची 3 और 4 लौंग ली है। इसके बाद पैन में हमें इनको कम से कम 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेना है। ज़्यादा नहीं है भूनना, हमें जलाना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमें इनको भून लेना है अच्छे तरीके से। तो जैसे ही अच्छी तरीके से भुन जाते हैं, हमें मिक्सी में जो है इनका एक पाउडर तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से दरदरा सा। बहुत ज़्यादा बारीक आपको नहीं पीसना है, इस तरीके से दरदरा सा आपको इसको पीस लेना है। तो यहाँ पे हमने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है, ये सरसों का तेल है, और एक एक करके आपको जो फ़िश है वो इसमें ऐड करनी है। आप अगर इसको सरसों के तेल में बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और अच्छा फ्लेवर आप देगी। सारी फ़िश ऐड करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट एक तरफ से इनको फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। ये जो रोहू फिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फिश होती है, तो इस वजह से इसको आपको जो है काफ़ी ज़्यादा केयर के साथ हैंडल करना होगा, और बहुत ही आराम से जो इनको पलटना होगा जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी फ़िश है वो एक तरफ से फ्राई हो चुकी है, और आप देखेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी ये लग रही है। तो अब हमें इसको पलटना है और दूसरी साइड से भी ठीक से पका लेना है, ठीक से फ्राई कर लेना है। तो हमारी जो फिश है वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे अलग से निकाल लेंगे एंड देन फिर करी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो है करी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने अपनी फिशेस को जो है फ्राई किया था। इसमें लगभग आधा चम्मच के करीब हमने जीरा ऐड किया है, और साथ ही एक बड़ी इलायची हमने यहाँ पे ऐड करी है। इसी के साथ हमने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ यहाँ पर ऐड करी हैं, और ये ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा इनको चलाना है और जीरे को फ्राई करना है। जैसे ही यहाँ पे जीरा हमारा फ्राई हो जाता है अच्छे से, तो हमें उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। ये लगभग एक बड़ा प्याज है जिसे हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और इसके बाद इसको ऐड कर लिया है उसी तेल में। प्याज को जो है आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, और उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, उसके बाद हमने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट,
और उसके बाद थोड़ी देर इसको और भूनना है ताकि जो प्याज का कलर है वो थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो प्याज का कलर है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसी मोमेंट पे अब जो है हम टमाटर ऐड करेंगे। ये लगभग 2 बड़े टमाटर हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है। आप चाहे तो इन्हें मिक्सी में भी पीस के ऐड कर सकते हैं। एंड ऐड करने के बाद तुरंत ही आपको ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद आपको टमाटरों को जो है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाना है, जिससे जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे और ग्रेवी में जो है एक अच्छा फ्लेवर देंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे जो टमाटर हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से गल गए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गए हैं। तो एक सही समय है जहाँ पे अब हम हमारे जो मसाले हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऐड किया है धनिया पाउडर जो लगभग 1 चम्मच के करीब है। इसी के साथ हमने ऐड किया है 1/2 चम्मच के करीब मिर्ची पाउडर, साथ ही हमने 1/2 चम्मच के करीब ही यहाँ पे हल्दी पाउडर भी ऐड किया है, और यहाँ पे लगभग 1/2 चम्मच से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च से काफ़ी अच्छा कलर आएगा और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आएगा, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड करना मत भूलिएगा। ये ऐड करने के बाद हमें अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक मसालों को तब तक भूनना है जब तक तेल जो है मसालों से अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो मसाला ऐड किया है वो वही मसाला है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले रोस्ट करके पीस लिया था। इसकी क्वांटिटी जो है हमने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा रखी है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद अगर आप देखेंगे तो मसालों ने पानी छोड़ दिया है और अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है पानी ऐड करेंगे और उतना ही पानी ऐड करेंगे जितने की हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ़िश करी है वो ज़्यादातर पतली ग्रेवी के साथ खाई जाती है, लेकिन आप अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस ग्रेवी को 3 से 4 मिनट तक हमने ढककर पका लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी हमने और ऐड किया था रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छा कलर यहाँ पे दिख रहा है इस ग्रेवी में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें खुशबू भी आ रही है उन्हीं मसालों की जिनको हमने रोस्ट किया था और पीस के इसमें ऐड किया था। 4 से 5 मिनट ढककर और पकाने के बाद अब यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जहाँ पे हम अपनी फ्राइड फिश को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले जो है थोड़ा सा हरा धनिया हमने इसमें ऐड किया है जिससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी में और काफ़ी अच्छी ज़्यादा खुशबू भी आएगी इसमें। और अब यहाँ पर हम एक एक करके जो हमारी रोहू फिश है जिनको हमने ऑलरेडी फ्राई कर लिया था वो ऐड करेंगे। ये फ़िश ऐड करने के बाद आपको ग्रेवी को जो है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोहू फिश बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो अगर आप इनको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगी और आपको काफ़ी अच्छा फ्लेवर नहीं मिलेगा इसमें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाना है, वो भी लो फ्लेम पर।
तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी बंगाली स्टाइल फ़िश करी बिल्कुल रेडी है। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आया है और खुशबू मसालों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी हमें क्या लेके आनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उस रेसिपी को हम अपने चैनल पर लाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।